दोस्तों ये डैकिन का स्प्लिट एसी का पीसीबी है, ये किसी मैकेनिक ने कहीं दिखाया होगा, छड़ा हुआ पीसीबी है, उससे ठीक नहीं हुआ है, तो ये हमारे पास ठीक होने आया है, इसको हम ठीक करेंगे, थोड़ा टाइम है आज हमारे पास। सबसे पहले हम इसकी सप्लाई फ्लाई चेक कर लेते हैं, इसको ठीक करेंगे। आ रहा है फिलहाल, ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है, फ्यूज़ को हमें वॉच चेंज करेंगे, ऑफ कर देते हैं, पीसीबी निकाल लेते हैं बोर्ड में से। सबसे पहले हम ये फ्यूज डायरेक्ट करेंगे, फिर मामले ये तार ले लेंगे। ये जो वायर लगी है सीरीज में लगी है, इसको हम करेंगे, ये देखिए ये शॉर्ट हो बता रहा है, पीसीबी शॉर्ट बता रहा है, ये बल्ब जल गया, देखो मैंने ये सीरीज में लगाया है, बल्ब जल गया। इसकी हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, शॉर्टिंग कहाँ है पीसीबी की, इसको हम एक बार निकाल देंगे। वायर की मदद से निकालेंगे, शॉपिंग बताती है अब भी नहीं बता रही। ये ऐसे हम यहाँ से निकालेंगे, उसको चेक करेंगे, ये शॉर्ट बता रही है, शॉर्ट बता रही है। और हम इसी में चेक करेंगे, ये देखिए अब शॉर्ट नहीं बता रहा है। पीसीबी एवं हम लगाएंगे, वहीं से निकाल के बैटरी भी लगी हुई थी, फिर पीसीबी भी निकल कर आएगी।
दोस्तों ये हमने दूसरा एसी टू डीसी आईसी निकाल लेते हैं, इसमें लगा के देखेंगे कि ये अब शॉर्टिंग बताएगा या नहीं, क्योंकि इसका आईसी शॉर्ट बता रहा है। अब हम चेक करेंगे, दूसरा ढूंढ लेते हैं। ये हमने ढूंढ लिया है, ये मिल गया है, सेम ही है, सेम। इसको हम यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं, इसको सोल्डिंग लगाएंगे। सोल्डिंग लगाने के बाद इसको लगा देते हैं, इसको सोल्डिंग कर दी हमने। ये एक बार क्लैंप मीटर से फिर हम चेक करेंगे या डायरेक्ट वायर लगाएंगे, देख लेते हैं अभी हम एक बार। ये हमने वायर लगा दी, डिस्प्ले लगा दी। डिस्प्ले तो इसकी बिल्कुल डेड ही है, समझ लो बहुत मुश्किल है, मुझे उम्मीद नहीं लगता कि ये लाइट आएगी इसमें, लेकिन हम सही करेंगे क्योंकि ये किसी मैकेनिक के पास गई थी पीसीबी, उससे ठीक नहीं हुई है, वापसी आई है। तो ये हमने कहा हम इस पर रिसर्च करते हैं, काम हल्का है तो ये नहीं ऑन नहीं हुआ पीसीबी। फिर हम चेक करते हैं, थोड़ा सप्लाई चेक करेंगे, और मीटर उठा के अपना सप्लाई चेक करेंगे कि आ रही है या नहीं आ रही है, चेक कर लेते हैं। ये हम सप्लाई चेक करेंगे, हम इसको आगे कर लें, डीसी वोल्टेज पे ले आते हैं। सबसे पहले हम आईसी पे चेक करेंगे, हमने लगा ये देखिए आईसी पे हमारी वोल्टेज अब आ रही है, पहले नहीं आ रही, पहले ये शॉर्ट थी, बल्ब जल रहा था। ये देखो ये आईसी पे हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, इसका ये ओके हो गई है। चेक करेंगे हम डिस्प्ले पे, डिस्प्ले पे वोल्टेज चेक करेंगे, डिस्प्ले पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। डिस्प्ले पे भी बहुत ज़्यादा कार्बन है डिस्प्ले पे, तो बहुत ऐसा लग रहा है बिल्कुल डेड ही है। इसको हम डिस्प्ले रिपेयर कर लेते हैं, पहले डिस्प्ले रिपेयर करेंगे। जितने भी ये प्रिंट हैं ये सब उछल गए हैं, इसको एक बार सर्फ से भी धोएंगे डिस्प्ले को, सही से सर्फ से धोने के बाद इसको देखेंगे, बहुत ज़्यादा कालापन है इसमें, इसको साफ कर लेते हैं पहले हम, बिल्कुल देख लेते हैं, चेक करके इसको हम साफ करेंगे। पहले साफ करके हम देख लेंगे, आए साफ कर दी हमने। ये देखो बहुत ज़्यादा इस पर प्रिंट जो है सारे डैमेज हो चुके हैं लगभग, फिर भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे सही करने की, इसको हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत कोशिश कर रहे हैं हम इसको, इसको देख लेते हैं क्या है। कंटिन्यूटी भी वगैरह भी चेक करेंगे, कहाँ आ रही है कहाँ नहीं आ रही है। ये फ्यूज़ भी उड़ा हुआ है इसका, तो ये प्रिंट भी यहाँ से डैमेज है, इसको बस सर्फ से धो लेते हैं, इसको पानी में सर्फ में डाल के इसको धो लेते हैं, ये प्रिंट बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये हमने देखो सर्फ से धो के हम लाए थे पीसीबी, ये बिल्कुल साफ़ हो गई है, अब देखो बिल्कुल साफ़ हो गई है अब, ताकि प्रिंट आसानी से दिख जाएंगे कहाँ पर मेल्ट हो रहे हैं कहाँ नहीं हो रहे हैं। सोल्डिंग करेंगे यहाँ पर भी तो मेल्ट हो रहा है यहाँ से, सब में सोल्डिंग करेंगे, पिन में फंसा लेते हैं, भाग रही है ये, सब में सोल्डिंग देख लेते हैं, कर लेते हैं सारी, जितने भी पेंट हैं दोस्तों ये सब में सोल्डिंग कर लेना, और उसमें जितने भी फ्यूज़ लगे हैं 0-0 वाली रेजिस्टेंस लगी हैं वो फ्यूज़ हैं, वो सब डायरेक्ट कर देना, फिर देख लेते हैं डायरेक्ट करके हम क्या प्रॉब्लम आएगी, देख लेते हैं हम ये सारा। वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ यहाँ से, ये डिस्प्ले पे काफ़ी सारा मॉइस्चर है, हमने आधे से ज़्यादा सोल्डिंग हम इस पर कर चुके हैं, जहाँ जहाँ हमें डैमेज लग रहा था हमने वहाँ वहाँ से आपस में शॉर्ट करके कर लिया है, अभी कुछ जगह और भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, उनको भी देख लेते हैं। ये भी आई, ये भी रेजिस्टेंस शॉर्ट लग रही है हमें यहाँ से, इस रेजिस्टेंस से भी सप्लाई नहीं जा रही है, ये यहाँ से यहाँ पर प्रिंट मार दिया हमने, जहाँ जहाँ हमें डैमेज लग रहा था हमने वहाँ वहाँ कर चुके हैं लगभग। ये वायर यहाँ से निकाल के इधर हम शॉर्टिंग करेंगे, हमने गलत कर दिया, बीच में से प्रिंट डैमेज है, ये हम इस तरफ ले लेते हैं, यहाँ मार दिया हमने टाका,
यहाँ भी देख लेते हैं पीसीबी थोड़ा ऊपर करके हम लगाते हैं वायर। ये देखिए अभी भी डिस्प्ले नहीं आई है इसकी, लाइट भी नहीं जली। देखेंगे इसमें सब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इस पीसीबी में, जो इतना टाइम नहीं लगता किसी भी बोर्ड में, इसमें ज़्यादा ही टाइम लग गया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने बीच में से कटिंग कर रखी है, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रहा था। ये देख लेते हैं एक बार अब जिक निकाल के क्या दिक्कत है, बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है, सप्लाई आ रही है, हमने चेक कर चुके हैं, करंट वगैरह सब आ रहा है, पीसीबी हमारा ऑन है इस टाइम, नहीं आ रहा है। एक बार पिन लगा के शॉर्टिंग करके देखेंगे कहीं से तो गड़बड़ है अभी, या कोई और भी रेजिस्टेंस शॉर्ट होगी। ये अभी आई थी लाइट, ये अभी मैंने चेक करा था तो लाइट आ रही थी अभी, देख लेते हैं कहीं ना कहीं से प्रिंट ये आई थी लाइट अभी, ये प्रिंट यहाँ से भी डैमेज हो रहा है। ये अभी मैं शॉर्ट करा था तो लाइट आई थी, इसको हम सही से एक बार शॉर्ट करते हैं, अभी देखते हैं इस पर डायरेक्ट करते हैं उस रेजिस्टेंस को, वहाँ से भी हम डायरेक्ट कर देते हैं। इसमें तीन चार रेजिस्टेंस हमने सारी की सारी डायरेक्ट कर दी है, एक रह गई है शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम हो। ये आई थी देखो लाइट, ये भी आई थी, इसको हम डायरेक्ट कर देंगे, देखिए ये ऑन हो गया हमारा पीसीबी, इसको भी हम डायरेक्ट कर देते हैं ऐसे, इसको निकाल लेते हैं और फिर सोल्डिंग करते हैं इसको, हम पीसीबी में फंसा लेते हैं इसमें पिन में, चिमटी में फंसाने के बाद सोल्डिंग करते हैं आपस में। ये वाली रेजिस्टेंस है इसको हम यहाँ से हटा ही लेते हैं, ये हमने हटा दिया देखो, वायर ले लेते हैं, वायर से आपस में शॉर्ट कर देते हैं दोनों ये, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ऑन होता है हमारा पीसीबी नहीं होता है। इसमें काफ़ी टाइम लग गया हमें पीसीबी ठीक करने में, देख लेते हैं। ये हमने वायर ले लिया, वायर से जम्पर मार देंगे, जम्पर मारने के बाद देखेंगे इसमें क्या है क्या नहीं है, ऑन हुआ हमारा या नहीं हुआ। अगर अब ऑन नहीं हुआ तो हम इसको सही नहीं करेंगे फिर, क्योंकि फिर इतनी तो ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम ही है। ये बिल्कुल डेड थी पीसीबी, ये किसी मैकेनिक के पास गई थी ठीक होने, उन्होंने मना कर दिया था ये ठीक नहीं होगी, लेकिन हमने इसको ठीक कर दिया, थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा ज़रूर लगा लेकिन ये ठीक हो जाएगी, उम्मीद हमें पूरी है हम ठीक कर देंगे इसको। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोगों को कुछ सीखने को मिले, और कमेंट भी किया करें चैनल, और लाइक भी किया करें, और अपने दोस्तों को मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करवाएं। ये हम लगाते हैं वायर, लगा लेते हैं हम इसकी, ये देखिए हमारी लाइट आ गई, ये लाइट ब्लिंक कर रही है सेंसर की प्रॉब्लम है, इसमें सेंसर लगा हुआ नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही है, ये लाइट ब्लिंक उसी की वजह से कर रही है। ये पीसीबी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है दोस्तों, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बिलिंग जो कर रही है लाइट, ये सेंसर की बिलिंग कर रही है।